नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल BCS Basic Physics में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चुंबकत्व से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशंस की। उन डेफिनेशंस में हम सर्वप्रथम बात करेंगे चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, माध्यम की चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता और चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है। एक एक करके हम इन सभी पाँचों बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे चुंबकन की तीव्रता कि चुंबकन की तीव्रता कहते किसे हैं, होती क्या है, कैसे इसको परिभाषित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चुंबकन की तीव्रता को आई से लिखते हैं, इसको हम चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं। देखिए, चुंबकन की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दोनों अलग अलग है। चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता आई होती है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम बी से डिनोट करते हैं। बी को हम पहले ही परिभाषित कर चुके हैं। दोस्तों चुंबकन की तीव्रता क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम किसी पदार्थ को रख दें तो जब उस पदार्थ को रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र में तो उस पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं, अर्थात पदार्थ के अंदर भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। तो किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने से पदार्थ में उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र है, प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, उसको हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। एक बार डेफिनेशन सुन लेंगे। किसी पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में उसको रख दिया तो पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबकन की तीव्रता कहते हैं, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, चुंबकन की तीव्रता कहलाती है, कहते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई बराबर यदि पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एम है, जो मैटर है उसका आयतन यदि वी है, तो चुंबकन की तीव्रता को हम आई बराबर एम अपॉन में वी से भी लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सुन लेंगे, समझ लेंगे, ये जो एम है वो है पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को हम कैपिटल एम से लिखते हैं। और ये जो V है वो है पदार्थ का आयतन है, जिसको हमने कैपिटल V से लिखा है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि जो I है, I एक सदिश राशि होती है। यदि सदिश राशि है तो उसकी दिशा भी होगी, जिसकी दिशा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होती है। पदार्थ में उत्पन्न जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें एक उत्तरी ध्रुव बनेगा, एक दक्षिणी ध्रुव बनेगा, तो जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है, उसी दिशा में ही इस आई की डायरेक्शन होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एम की दिशा में होती है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की जो भी डायरेक्शन होगी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की, उसी दिशा में ही आई की डायरेक्शन होगी। या हम कह सकते हैं दोस्तों कि इसकी डायरेक्शन पदार्थ में उत्पन्न एस ध्रुव से एन ध्रुव की ओर होती है, एस से एन ध्रुव की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, दिशा होती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे, ये एक सदिश राशि हो गई है, चुंबकन की जो तीव्रता है, चुंबकन की तीव्रता का मात्रक इसका मात्रक होता है एम्पियर इंटू मीटर
मीटर और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है दोस्तों। इसकी यदि वीमा की बात करें तो आई की जो वीमा है दोस्तों क्या आ जाएगी यहां से हमारे पास में, देखिए आई की वीमा हमारे पास में यहां से निकल कर आएगी एल माइनस टू ए माइनस वन इसकी वीमा होती है। तो ये थी चुंबकन की तीव्रता। एक बार इसको फिर से सुन लेंगे, समझ लेंगे कि किसी चुंबक के क्षेत्र में किसी मैटर को रखेंगे तो उस मैटर में भी चुंबक के ध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, मतलब चुंबक के क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न जो चुंबक के ध्रुव आघूर्ण है उसी को ही हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं। डिफरेंस समझ लेना, यह है चुंबकन की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक एच और आ रहा है जिसको हम चुंबकन क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। तो चुंबकन की तीव्रता किसी बाह्य चुंबक के क्षेत्र में पदार्थ को रखने पर उसके प्रति एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबक के ध्रुव आघूर्ण को हम चुंबकन की तीव्रता कहते हैं दोस्तों। तो अब है सेकेंड पार्ट, चुंबकन क्षेत्र। चुंबकन क्षेत्र को हम कैपिटल एच से लिखते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, ये एक तरीके का चुंबकीय क्षेत्र ही होता है दोस्तों। इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखिए वह चुंबकीय क्षेत्र, वह बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए रखा जाता हो, जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को, जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए रखा जाता है, चुंबकित करने के लिए रखा जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है दोस्तों, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। अब यहां पर भी ध्यान देंगे दोस्तों कि जो चुंबकन क्षेत्र है वो एक सदिश राशि होती है और जिसकी दिशा चुंबक के क्षेत्र की दिशा में होती है। इसको जो मैथमेटिकल रूप में हम फॉर्मूले के रूप में व्यक्त करें तो किस तरीके से इसको पुट किया जा सकता है, H इक्वल टू होता है B अपॉन में म्यू नॉट। यदि हम निर्वात में किसी मैटर को रखेंगे तो उसके लिए हमारे पास में H का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से प्राप्त होगा। और ये दोस्तों इस स्थिति में निर्वात में चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता होती है, निर्वात में चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता इसको कहते हैं, कहा जाता है दोस्तों। यहां से यदि हम इसके मात्रक और विमाओं की बात करें दोस्तों, यह सदिश राशि तो है, इसका मात्रक जो चुंबकन की तीव्रता है उसकी भांति ही प्राप्त होता है, अर्थात एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। तो जो एंच है उसका मात्रक यदि आप यहां से कैलकुलेट करके भी इसका मात्रक निकालेंगे तो आपके पास में एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका मात्रक आएगा। एच है कि जो वीमा है वो हमारे पास में यहां से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, एल माइनस वन ए वन इसकी वीमा प्राप्त हो जाएगी। तो ये था चुंबकन क्षेत्र। देखिए दोस्तों, यदि निर्वात के स्थान पर हम किसी माध्यम में, पहले से माध्यम है और उसी माध्यम में ही हम किसी मैटर को रख रहे हैं तो उस कंडीशन में जो एच है उसका फॉर्मूला हो जाएगा बी एम अपॉन में म्यू। म्यू यहां पर माध्यम की चुंबकशीलता होती है। अभी हम इसे माध्यम की चुंबकशीलता को यहां पर परिभाषित करेंगे। अगला जो हमारा बिंदु है वो माध्यम की चुंबकशीलता ही है। अब तीसरा पार्ट है, देखिए दोस्तों हमारे पास में है माध्यम की चुंबकशीलता। माध्यम की चुंबकशीलता को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। माध्यम की चुंबकशीलता किसे कहते हैं दोस्तों, देखिए समझेंगे। माध्यम की चुंबकशीलता कि किसी माध्यम से, कोई भी माध्यम है
माध्यम से चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता, किसी माध्यम से चुंबक के क्षेत्र रेखाओं, चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता को, गुजरने की क्षमता, चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता को माध्यम की चुंबकशीलता कहते हैं दोस्तों। माध्यम की चुंबकशीलता कहा जाता है। इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम म्यू से प्रदर्शित करेंगे। देखिए दोस्तों, माध्यम की चुंबकशीलता को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक और विमाएं जो निर्वात की चुंबकशीलता होती उसके तुल्य ही होती है। इस माध्यम की जो चुंबकशीलता है उसको हमें दूसरा नाम भी हम दे सकते हैं, इसको हम माध्यम की पारगम्यता भी कहते हैं दोस्तों। चुंबकशीलता के स्थान पर पारगम्यता भी यूज में लिया जा सकता है दोस्तों। आप यहां पर ध्यान देंगे कि इसका जो मात्रक और विमाएं है वो निर्वात की चुंबकशीलता के तुल्य ही होती है। यदि हम यहां पर बात करें कि निर्वात की चुंबकशीलता जो म्यू जीरो होती है वो क्या होती है, ये जो म्यू जीरो है वो यहां पर, ये तो है माध्यम की चुंबकशीलता, किसी माध्यम से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की गुजरने की क्षमता, और ये जो म्यू जीरो है इसको हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ये तो ये कॉन्स्टेंट होता है, इसको हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यहां पर देखिए दोस्तों, हम निर्वात की चुंबकशीलता को परिभाषित कर रहे हैं। निर्वात की चुंबकशीलता होती है निर्वात से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्षमता, निर्वात से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की क्षमता को हम निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। जो निर्वात की चुंबकशीलता है दोस्तों कांस्टेंट होती है, उसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक होता है दोस्तों। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, हेनरी पर मीटर, और आप उसको टेस्ला में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था हमारे पास में निर्वात की चुंबकशीलता। फिर हम दोस्तों अगली जो डेफिनेशन है वो है आपेक्षिक चुंबकशीलता। आपेक्षिक चुंबकशीलता आप यहां पर देखेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात के तुल्य होती है। चुंबकशीलता को हम पारगम्यता भी कहते हैं दोस्तों, तो इसको हम आपेक्षिक पारगम्यता भी कह देते हैं। ये जो आपेक्षिक पारगम्यता, इसको म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे परिभाषित करेंगे, देखिए दोस्तों इसकी डेफिनेशन सुन लेंगे। माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता का अनुपात, माध्यम की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता का जो अनुपात है उसको हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। ये एक मात्रकहीन राशि होती है, ये मात्रकहीन राशि होती है, ये विमाहीन राशि होती है। इसका मान पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे इसको हम कैसे और कैसे कह सकते हैं, इसको दूसरी भाषा में किस तरीके से इसको कहा जा सकता है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि निर्वात के सापेक्ष जो चुंबकशीलता होती है उसको हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। कि निर्वात को हम स्टैंडर्ड मान मान लें, मानक मान मान लें, तो निर्वात के सापेक्ष, निर्वात के सापेक्ष माध्यम से गुजरने वाली, माध्यम से चुंबक के क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता, माध्यम से चुंबक के क्षेत्र रेखाओं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुजरने की क्षमता को, गुजरने की क्षमता को हम आपेक्षिक चुंबकशीलता या आपेक्षिक पारगम्यता कहते हैं दोस्तों। अब हम अंतिम बिंदु पर बात करेंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है वो है चुंबकीय सुग्राहिता। चुंबकीय सुग्राहिता को हम काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, चुंबकीय सुग्राहिता इसका दूसरा नाम है,
इसको काई एम से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लीजिए, अक्स को इस डिजाइन में देकर इसके सबस्क्रिप्ट में छोटा सा एम लटका देते हैं। ये इस तरीके से इसका प्रतीक चिन्ह होता है। यह है चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता का प्रतीक चिन्ह। देखिए इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि जब किसी पदार्थ को हम चुंबकन क्षेत्र एच में रखते हैं, जब किसी पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र, जो चुंबकन क्षेत्र है उसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, चुंबकन क्षेत्र एच में रखा जाता है तो पदार्थ में कैपिटल आई चुंबकन की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है। कैपिटल आई चुंबकन की तीव्रता, चुंबकन की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। और ये जो कैपिटल आई है वो एच, यहां पर आप ध्यान देंगे दोस्तों कि जो चुंबकन क्षेत्र है उसको तो हम कैपिटल एच से पुट कर रहे हैं, तो पदार्थ के अंदर जो उत्पन्न चुंबकन की तीव्रता है उसको हम यहां पर आई से लिख रहे हैं। तो ये जो चुंबकन की तीव्रता है वो उस पदार्थ पर आरोपित चुंबकन क्षेत्र के समानुपाती होती है। हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आई है वो समानुपाती होता है एच के। यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं और यहां पर हम लगाएंगे ये कांस्टेंट काई एम, और इसी को ही हम कहते हैं, जहां जो काई एम है दोस्तों उसको हम चुंबकीय परवर्ती कहते हैं, चुंबकीय सुग्राहिता कहा जाता है। यहां से इसका फॉर्मूला भी आप देख लेंगे कि जो काई एम है वो आई अपॉन में एच के तुल्य होता है। यहां से कुछ निष्कर्ष यहां पर निकलेंगे दोस्तों कि जो काई एम है वो एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता। फिर इसके बाद में ये एक मात्रकहीन राशि होती है, इसका मतलब है कि इन दोनों का मात्रक सेम, तत्पश्चात जो काई एम है वो मात्रकहीन राशि होती है, विमाहीन राशि होती है। ये जो काई एम है, काई एम का जो मान है दोस्तों, काई एम का मान है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अलग अलग पदार्थों के लिए काई एम की वैल्यू अलग अलग होता है, पदार्थ की प्रकृति पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है दोस्तों। तो काई एम है वो आई और एच का अनुपात के तुल्य होता है। अब हम इसको दूसरे तरीके से कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोई भी जो चुंबकीय पदार्थ है वो कितनी आसानी से चुंबकीय गुण ग्रहण करता है, उस गुण को ही चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। कि चुंबकित होने की जो प्रवृत्ति है, चुंबकीय गुण कितनी आसानी से ग्रहण करता है, उस गुण को ही हम चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं दोस्तों। जो कि अदिश राशि, मात्रकहीन, विमाहीन राशि होती जिसकी वैल्यू पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करती है। कि कोई भी मैटर है वो चुंबकीय गुण कितनी आसानी से ग्रहण करता है, कितनी आसानी से वो चुंबकित होता है, उसी गुण को ही हम चुंबकीय प्रवृत्ति या चुंबकीय सुग्राहिता कहते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी है और मुझे उम्मीद है वो डेफिनेशंस आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।